ओम शांति। आज की तारीख है 8/2/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। ब्राह्मण माना कौन से ब्राह्मण? जाति के ब्राह्मण नहीं, परंतु कर्मधारी ब्राह्मण। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। रचता परमात्मा और रचना हम बच्चे, तो बाबा ने हमें ज्ञान देकर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। नंबर दो, हरेक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कशन नहीं करना है, सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, शिव बाबा परम सतगुरु हैं तो सतगुरु बन वरदान देते कि प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाली देही अभिमानी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है और प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी से छुड़ा देती है, यानी सजाओं से मुक्त कर देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन है, हरेक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो हरेक में क्या दिखे? विशेषता ही विशेषता दिखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।